दोस्तों अगर मार्केट की हम बात करें तो आपने देखा होगा जब मार्केट में लगातार गिरावट हो रही थी, जून में हम देखें तो मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया और लगभग 15,183 के लेवल्स दिखाए और वहां से शानदार रिकवरी मार्केट में हमें देखने को मिली। लगभग 18,000 के लेवल्स दिखाए मार्केट ने। और आपको याद होगा जब मार्केट में फॉल हो रहा था, मैंने बार बार आपको यही एनकरेज किया था कि आपको SIP वे में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जो मौका है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और वहाँ से स्टॉक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। अभी फिर से वही बातें हो रही हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से जो ये लेवल्स हैं, जो बॉटम मार्केट ने यहाँ पे बनाया था 15,180 के आसपास का, वो लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट में हो सकता है, बट अगर कोई भी गिरावट आती है, थोड़ी बहुत गिरावट आती है, तो उसका आपको फ़ायदा ही उठाना चाहिए। सो इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप अपने रेडार पर रख सकते हो। ये स्टॉक्स आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक्स हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड प्लीज़ एक लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करना। सो फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है प्रिंस पाइप्स। सो प्रिंस पाइप्स एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है PVC CPVC पाइप्स का। 3 decades का इनके पास एक्सपीरियंस है, डीप नॉलेज ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल पॉलीमर्स है, ये लार्जेस्ट रेंज ऑफ SKUs है इनके पास अक्रॉस मल्टी पॉलीमर्स। अभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे कर रही है कि जो नीच प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बनाए जाएं। सो पाइपिंग सेक्टर में हम देखें तो ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है और इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड जो अभी यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, अगर हम देखें कि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनसे जो मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। सो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, CPVC प्लंबिंग पाइप्स है, UPVC प्लंबिंग पाइप्स है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पाइपिंग सिस्टम्स है वो ये कंपनी बनाती है एंड एग्रीकल्चर पाइपिंग सिस्टम्स कंपनी बनाती है, SDP पाइपिंग सिस्टम्स बनाती है, उसके अलावा जो वाटर टैंक्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी ने जो बाथवेयर सेगमेंट है उसमें भी एंटर किया है, जो कि इनके लिए एक नेचुरल एक्सटेंशन है। तो ये कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। पर्सनली ये जो सेक्टर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ आने वाली है फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स देखते हैं, सो इंडिया में 75% जो हाउसहोल्ड्स हैं, सो दे डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑन द प्रेमिसेस, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, 85% ऑफ जो हाउसहोल्ड्स हैं दे डू नॉट हैव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर। सो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स है इसको लेके, जिसमें जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी हम बात करें, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 12,294 करोड़ बजट में जो है वो अलॉट किया था। इसके अलावा अमृत एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 77,640 करोड़ अलॉटमेंट किए गए थे एंड 6,450 करोड़ जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके लिए जो है अलॉट किए गए थे। सो मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा, जब इंडिया में हम देखते हैं, दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं, सो इंडिया बेसिकली लो पर कैपिटा पाइप कंजप्शन है इंडिया में। US से कंपेयर करें तो US में 110 है, जिसको इंडिया में अगर हम देखते हैं तो वो 11 है और जो वर्ल्ड का एवरेज है वो 30 का है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जब हम डोमेस्टिक प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग मार्केट साइज़ की बात करते हैं, सो यहाँ पे ग्रोथ अगर देखोगे FY14 से लेके 2019 के बीच में तो 10-12% CAGR की रही है। FY19 से FY24 का जो एस्टीमेट है वो 12-14% CAGR का है एंड PE रेशो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 25 का है। तो मुझे लगता है फेयर वैल्यूशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लगभग 900 रुपीज़ का इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, स्टॉक कहाँ मिल रहा है 580 के आसपास मिल रहा है। तो काफ़ी डिस्काउंट पे स्टॉक जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक को ज़रूर आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपनी। सो नेक्स्ट कंपनी है BKT बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। तो बेसिकली जो टायर्स आप देख रहे हो, जो ऑफ हाईवे टायर्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है और वर्ल्ड में ये लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं। इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं अगर हम ऑफ हाईवे टायर्स की बात करें। ओवर 160 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। सो वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज़ हैं जो ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसके अलावा जैसे कि आप देखते हो जो JCB मशीन्स हैं, तो इस तरह की जो मशीन्स हैं, तो आप यहाँ पे इनके क्लाइंट्स देखोगे तो बहुत बड़े बड़े
जो क्लाइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जेसीबी इनकी क्लाइंट है, फरारी इनकी क्लाइंट है, टैफे, कैटरपिलर, सो बड़ी बड़ी कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सो कंपनी को क्यों अभी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ा कैपेक्स कर रही है, एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं। सो 800 करोड़ का ये कैपेक्स प्लान है इनका। दूसरा जो कार्बन ब्लैक है और जो कैप्टिव पावर प्लांट है, तो उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं, 650 करोड़ का ये कैपेक्स प्लान है इनका। तो कार्बन ब्लैक जिसका जो यूज़ है वो टायर बनाने में किया जाता है, तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी काम कर रहे हैं। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ये कंपनी कर रही है, 450 करोड़ का कैपेक्स प्लान है इनका। सो इनका वॉल्यूम अगर आप देखोगे, सो 288,795 का वॉल्यूम FY 2022 में था, और FY 2023 के लिए जो गाइडेंस है इनकी वो 320,000 की है। सो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ की हम जब बात करते हैं, तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। अभी अगर हम देखें तो जो इसका 2,724 रुपये का ऑल टाइम हाई था, वहाँ से काफ़ी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, 2,047 रुपये के आसपास स्टॉक मिल रहा है, एंड 28 के पी ई मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है। सो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का इसका मीडियन पी ई रेशो चेक करते हो, तो वो 29 का है, तो उसके नीचे स्टॉक आपको जो है देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक स्टॉक फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ज़रूर आप इसको कंसिडर यहाँ से कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपनी। सो नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब। सो पॉलीकैब की अगर हम बात करें, तो ये कंपनी पहले केबल्स एंड वायर्स बनाती थी, उसके बाद इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड किया FMEG बिजनेस में। सो FMEG में आप इनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, फैन, स्विचेस, तो ये देख सकते हो। सो वायर्स एंड केबल्स का जो बिजनेस है, उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें 48% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। दूसरा एक्सपोर्ट बिजनेस की हम बात करें, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ही कंपनी कर रही है, 6.7% का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट के थ्रू देखने को मिला था हमें। पॉलीकैब को देखिए, मैंने काफ़ी बार आपको रिकमेंड किया था, रिसेंटली हम देखें तो स्टॉक ने 1,850 का लो भी बनाया था, और वहाँ से स्टॉक काफ़ी जो है रिकवर कर चुका है ऑलरेडी। अभी भी जो इसका ऑल टाइम हाई है 2,820 का, उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपनी। सो नेक्स्ट कंपनी है तत्व चिंतन फार्मा। सो ये एक नीश स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर है, सेवरल मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में, लार्जेस्ट एंड ओनली कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स का फॉर ज़ियोलाइट्स इन इंडिया, एंड सेकेंड ग्लोबली है। एंड यूज़र इंडस्ट्री की बात करें, तो आपका जो फार्मास्यूटिकल APIs है, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेज है, एग्रोकेमिकल्स, इन्वायरमेंट कंट्रोल प्रोसेसेस है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड इनके प्रोडक्ट की बात करें, तो वो है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स। सो इसको अगर आप देखोगे, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इसमें ज़ियोलाइट्स ग्लोबली, एंड द लार्जेस्ट कमर्शियल सप्लायर है इंडिया में। सो इसका जो यूज़ है वो ऑटोमोटिव कैटलिटिक कन्वर्टर एमिशन कंट्रोल में किया जाता है, पेट्रोकेमिकल्स क्रैकिंग क्रूड में, कैटलिस्ट कंटिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा इनका इलेक्ट्रोलिसिस का सेगमेंट है, एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स का सेगमेंट है, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंटरमीडिएट्स का सेगमेंट है, स्पेशलिटी केमिकल्स भी ये कंपनी बनाती है। इनके बिजनेस में देखिए, काफ़ी हाई एंट्री बैरियर्स भी है, वहाँ पे जल्दी से कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता है, तो इस कंपनी को भी ज़रूर आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। लगभग यहाँ पे देखिए 3,000 का हाई था इसका, और 2,423 रुपये के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसका जो वैल्यूशन है वो सस्ता नहीं है, तो इस चीज़ का आपको जो है देखना पड़ेगा। तो वेट करिए, अपनी वॉच लिस्ट में इसको लगाइए, कंपनी बढ़िया है। रिसेंटली रिजल्ट में प्रेशर हमें देखने को मिला था, बट आगे चल के जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो यही है कि आगे चल के इनके जो मार्जिनस हैं वो इम्प्रूव होने वाले हैं। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। सो इसके बारे में मैंने रिसेंटली भी आपको बताया था, ये सिर्फ इंडिया में अकेली ही ऐसी कंपनी है जो सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इस कंपनी को गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसका काफ़ी बेनिफिट मिला है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का काफ़ी बेनिफिट इनको मिला है। वो जो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, जो 17 अगस्त को एक्सपायर होने वाली थी, यहाँ पे 2 साल के लिए और जो है एक्सटेंशन की इसमें बात हो रही है, जो कि चाइनीज सोलर ग्लास पे लगाई गई थी, तो ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट नेक्स्ट 2 ईयर्स में हो सकता है। सो द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू टेक द फाइनल डिसीजन टू इम्पोज दिस ड्यूटी।
तो ये चीज़ आपको जो है अभी इसको ट्रैक करना पड़ेगा गवर्नमेंट का यहाँ पे फाइनल डिसीजन क्या आता है। दूसरा, ये कंपनी जो है कैपेक्स कर रही है, 1400 करोड़ का कैपेक्स है, उसके लिए फंड रेज भी ये करने वाले हैं, तो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसको ये लोग कर रहे हैं, तो आगे चल के जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आने वाली है और इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिखेगा। तो 833 रुपये का इसने हाई बनाया था और स्टॉक रिसेंटली काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, 560 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा है, तो काफ़ी डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है, तो इसको भी आप ज़रूर अपने रडार पे रख सकते हो। तो इनके बारे में खुद की रिसर्च एनालिसिस कर लें इन स्टॉक्स के बारे में, देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। सो थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।